बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस एन इनफाइनाइट सीरीज समीशन के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी जेड के इज सेट टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ समीशन के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी जेड के का मॉड कन्वर्ज करेगा। यानी कोई भी इन्फाइनाइट सीरीज़ है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट तब कन्वर्ज करेगी अगर आपके पास उस सीरीज़ का आप मॉड ले लें, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लें। अगर वो कन्वर्ज कर गई है तो इसका मतलब है जो आपके पास गिवन सीरीज़ है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। एब्सोल्यूटली का मतलब यही है कि आपने अगर उसके अंदर कोई टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं तो हमने उनको पॉजिटिव कर लेना है। तो कोई भी इन्फाइनाइट सीरीज़ जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज तब करेगी अगर हम उसका मॉड जो है वो ले लें और फिर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर जाए। तो एन इनफाइनाइट सीरीज़ जो है जेड के इज सेट टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट तब होगी इफ़ इट कन्वर्जेस, लेकिन अगर कन्वर्ज करे लेकिन उसका जो एब्सोल्यूट है वो डाइवर्ज कर जाए। जैसा कि होता है हमारे पास कोई भी सीरीज़ होती है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज तब होती है अगर उसका मॉड कन्वर्ज कर जाए। लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट कब करेगी कि वो सीरीज़ तो कन्वर्ज करे लेकिन उसका एब्सोल्यूट जब लेंगे तो वो डाइवर्ज कर जाए। तो इस तरह की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब जैसा कि नीचे उन्होंने देखें एग्जांपल दी हुई है, द सीरीज़ समीशन के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए ओटा की पावर के ओवर के स्क्वायर। वो कहते हैं ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि जब हमने इसका मॉड लिया तो वो सीरीज़ बन गई वन ओवर के स्क्वायर। तो ये पी सीरीज़ है, देखें इसमें पी अगर हम इस फार्मूले में जनरल फार्मूले, क्योंकि ये पी सीरीज़ कहलाती है, कैलकुलस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पी जो है अगर एक से बड़ा होगा तो कन्वर्ज करेगी, अगर एक या एक से छोटा होगा तो वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो ये पी ग्रेटर देन वन है, जारी बात है, तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। इसी तरीके से देखें यहाँ उन्होंने सॉल्व करके, यानी उसका सीरीज़ को एक्सपेंड करके भी उन्होंने बताया इसका।